वालेकुम स्टूडेंट्स, फिर एक बार आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके मैं आया हूँ फ्रॉम द चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है लैंड रिसोर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे लैंड रिसोर्स को, उनके इम्पोर्टेंस को, यूटिलाइजेशन, यूज लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। लैंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड को मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कहा गया है, नेचुरल रिसोर्स, एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट वन इज़ बायोटिक एंड द सेकंड वन इज़ एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? जो लिविंग थिंग रिसोर्सेज होते हैं उनको बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, एंड एबायोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग थिंग रिसोर्सेज को कहते हैं। तो लैंड इज़ ए नॉन लिविंग थिंग, तो इसीलिए इसको एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। नाउ लैंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि जितने भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के, वो लैंड के ऊपर होता है, ठीक। और दूसरा, सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, मैन लाइफ को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स माना जाता है। यूज़ इट फॉर वेरियस पर्पज़ ऑन प्रॉपर प्लानिंग। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्रॉपर प्लानिंग में किसी भी रिसोर्स को इस्तेमाल करने से पहले या उससे बेनिफिट प्रोड्यूस करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। तो लैंड को भी इस्तेमाल करने से पहले, वेरियस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने से पहले हमें इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? हम अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं और उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी, उनकी ज़रूरतों को भी ख्याल में रखते हैं, ठीक है। ओके, इंडिया हैज़ ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। इंडिया के पास वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं, इंडिया में वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, एंड आइलैंड है। नाइन क्लास में भी आपने फिजियोग्राफिक डिविजन्स में आपने पढ़ा है। तो इन इंडिया अबाउट 43% जो लैंड है वो प्लेन के अंडर आता है, और ये जो प्लेन एरिया है, जैसे अगर हम देखेंगे जो प्लेन एरिया है इंडिया का, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? ये हमें एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो इंडस प्लेन है या पंजाब प्लेन है, गंगा प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये हमें खेती बाड़ी के लिए या एग्रीकल्चर करने के लिए हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए भी हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है आपका माउंटेन्स रीजन। जो माउंटेन रीजन में अगर हम देखेंगे, अकाउंट फॉर 30% जो इंडिया का जो लैंड एरिया है वो माउंटेन कवर करता है। अब माउंटेन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंश्योर्स पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म। अब देखेंगे जो माउंटेन रीजन्स है, जैसे हिमालयन ओरिजिनेटेड जो रिवर्स होते हैं वो पेरिनियल इन नेचर होते हैं। पेरिनियल इन नेचर का क्या मतलब होता है? क्योंकि जो हिमालय के जो पहाड़ की जो चोटियाँ हैं वो 12 महीने बर्फ़ से ढके रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जब स्नो मेल्ट होता है तो जो ये जो रिवर्स हैं, जो हिमालयन ओरिजिनेटेड जो रिवर्स है, वहाँ पे साल भर पानी रहता है, ठीक है ना। तो उसके अलावा एक सीजनल रिवर्स होते हैं। सीजनल रिवर में सिर्फ मॉनसून के टाइम पे ही पानी होता है, बाकी सीजन्स में पानी नहीं होता। मगर जो हिमालयन ओरिजिनेटेड रिवर है उनके साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर एक सीज़न में आपको पानी मिलेगा। और उसके साथ साथ हमें जो हमारे जो माउंटेन रीजन्स में जो हिल स्टेशंस होते हैं वो टूरिज्म के लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका प्लेट्यू। अबाउट 27% जो लैंड एरिया है कंट्री का वो प्लेट्यू रीजन है, ठीक। जो प्लेट्यू रीजन है, अगर यहाँ पे देखेंगे, इट पोसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल। अब इन प्लेट्यूज से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, ठीक। इन प्लेट्यूज से हमें एक तो मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, और यहाँ पे फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे लैंड यूटिलाइजेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड इट फॉर फॉलोइंग पर्पस। जैसे हमने ऊपर भी देखा कि लैंड को अलग अलग पर्पस के लिए, वेरियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट,
लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फैलो लैंड्स एंड नेट सोन एरिया। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। फर्स्ट, फॉरेस्ट। इंडिया में अगर हम देखेंगे 20 से 21% जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है। तो फॉरेस्ट हमें बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो हमारे ज़्यादातर जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। और दूसरा, जो फॉरेस्ट होता है वो वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, उनको हैबिटेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। जो दूसरा पॉइंट है वो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, एक बैरन लैंड है, दूसरा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। बैरन लैंड जैसे बंजर ज़मीन होती है, वेस्ट लैंड होती है जो खेती बाड़ी के लिए या कल्टिवेशन करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। अब जो लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रेलवेज लगाने के लिए या एयरपोर्ट्स बनाने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस भी आप कह सकते हो। तो ये लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के अंडर आता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड को हम फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स को। इसमें तीन पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। अब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंडर आता है परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, वो ज़मीन जहाँ पर हम, या जो ग्रासलैंड होते हैं जहाँ पे हम अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं, अपने लाइफ स्टॉक को वहाँ पे चराते हैं, तो ये अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंडर आता है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोज नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। अब वो ज़मीन जहाँ पे आपको मिक्स्ड आपको ट्रीज मिलते हैं, ठीक है ना, तो वो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स उनको कहा जाता है जो नेट सोन एरिया के अंडर इंक्लूड नहीं होता। तीसरा, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। एक बार जब हम खेती बाड़ी करते हैं ज़मीन के ऊपर, तो कुछ फैक्टर्स की वजह से हम उसको छोड़ के रखते हैं 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसको कल्टिवेबल वेस्ट लैंड कहा जाता है, ठीक। तो किसी लैंड पे जब हम खेती बाड़ी करने के बाद उसको 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए उसको विदाउट कल्टिवेशन छोड़ के रखते हैं, उसको कल्टिवेबल वेस्ट लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फैलो लैंड। अब फैलो लैंड में दो पॉइंट्स हैं, एक करंट फैलो लैंड है, दूसरा आपका अदर देन करंट फैलो लैंड है। करंट फैलो लैंड क्या होता है, एक ज़मीन, एक लैंड के ऊपर खेती बाड़ी करने के बाद उसको हम 1 साल से कम टाइम के लिए जब हम विदाउट कल्टिवेशन उसको छोड़ के रखते हैं, उनको करंट फैलो लैंड कहा जाता है। अदर देन करंट फैलो लैंड क्या होता है, वो ज़मीन जहाँ पे खेती, एक बार खेती बाड़ी करने के बाद उसको 1 साल से 5 साल के लिए, ठीक, मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए जब हम उनको विदाउट कल्टिवेशन छोड़ के रखते हैं, उसको अदर देन करंट फैलो लैंड कहा जाता है। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। वो एरिया जहाँ पे एक एग्रीकल्चर ईयर में, एक साल में एक से ज़्यादा बार हम क्या करते हैं, या वो ज़मीन, टोटल ज़मीन, ठीक है ना, जो हमारे पास अवेलेबल है कल्टिवेशन करने के लिए, फसल उगाने के लिए, उनको नेट सोन एरिया कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, ठीक। लैंड यूज़ पैटर्न क्या है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में लैंड यूज़ करने का क्या तरीका, क्या पैटर्न है। यूजेस ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल एक्सेट्रा एंड ह्यूमन फैक्टर, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी आती है, ठीक। अब लैंड जो यूज़ पैटर्न है इंडिया में अगर हम देखेंगे, वो दो फैक्टर्स इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एक फिजिकल फैक्टर होता है जिसमें टोपोग्राफी आती है, क्लाइमेट, सॉइल, एक ह्यूमन फैक्टर आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। अब जहाँ पे प्लेन एरिया होगा, टोपोग्राफी में जहाँ पे माउंटेनियस रीजन या प्लेट्यू रीजन है, प्लेन एरिया है। अब लैंड यूज़ पैटर्न कहाँ पे लैंड को हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे प्लेन एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे आपको लैंड का ज़्यादा इस्तेमाल, लैंड जो है ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। फिर क्लाइमेट जहाँ पे सूटेबल होगा वो
एरिया हमें ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, और सॉइल जहाँ पे फर्टाइल होगी ऑब्वियसली वो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करेंगे। एंड ह्यूमन फैक्टर होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उस एरिया में लैंड का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी जहाँ पे होगी वहाँ पे लैंड रिसोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है? जैसे आपको पता है कि टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर होता है, ठीक है ना। इन इंडिया लैंड यूज़ डाटा इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93%। इंडिया में सिर्फ जो लैंड यूज़ पैटर्न, लैंड जो के बारे में जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, वो सिर्फ 93% लैंड का हमारे पास डाटा अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आसाम को छोड़कर और जम्मू एंड कश्मीर का कुछ हिस्सा, उसको सर्वे नहीं किया गया है। सर्वे इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ में आता है। जैसे जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे, पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है ना, अभी उनको सर्वे नहीं किया गया है। तो टोटल 7% जो बचता है वो इन्हीं यही एरियाज जो है वो कवर करते हैं, और आज तक उनको सर्वे नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ है, ठीक है ना। बाकी आप ये जो पाई चार्ट यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे आप इस पाई चार्ट को कंसल्ट करके इसमें देख सकते हो, और लैंड यूज़ पैटर्न क्या है हिंदुस्तान में, यहाँ पे डिटेल आपका दिया गया है। लैंड द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज़ आल्सो डिक्रीज। हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे, जो लैंड यूज़ है, जो परमानेंट पेस्चर लैंड है, वो कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? वो इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि हम अपने लाइफ स्टॉक को जैसे खुले में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, या ग्रासलैंड्स में छोड़ देते हैं, ग्रेजिंग लैंड्स पे या पेस्चर लैंड्स पे हम छोड़ देते हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं करते, या कंट्रोल नहीं करने की वजह से वो ओवर ग्रेजिंग करने लगते हैं, जिससे आपका जो परमानेंट पेस्चर लैंड है वो कम होगा। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फेलो लैंड, जो मोस्ट ऑफ जो अदर देन जो करंट फेलो लैंड्स है, या वो तो पुअर क्वालिटी होने की वजह से, या कॉस्ट ऑफ जो कल्टीवेशन है वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से हम उनका ज़्यादा या अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब यहाँ पे क्या है कि जो पैटर्न है नेट जोन एरिया का, वो हर एक स्टेट में सेम नहीं होता, ठीक है ना। हर एक स्टेट में ये वेरी करता है, आपको यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया पंजाब और हरियाणा में है। अगर हम देखेंगे, जो 80% जो आपका कल्टिवेबल लैंड है, ठीक है ना, वो यही दो स्टेट्स ही कवर करते हैं, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा खेती बाड़ी होती है। एंड लेस देन जो बाकी जो 10% से भी कम एरिया कुछ स्टेट, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये एरियाज या ये स्टेट जो है वो कवर करते। तो इसका मतलब ये है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेट जोन एरिया को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पे क्लाइमेट, सॉयल, ये सारे फैक्टर्स जो है, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ये कुछ फैक्टर्स है वो डिपेंड करता है। अब जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ या जो फैक्टर्स है वो ज़्यादा, जहाँ पे अवेलेबल होगा, सूटेबल होगा, वहाँ पे नेट जोन एरिया ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जहाँ पे ये फैक्टर्स जो है वो सूटेबल नहीं है, वहाँ पे नेट जोन एरिया कम होगा, ठीक। इसके बाद आते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एरिया इन कंट्रीज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ द जियोलॉजिकल एरिया, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, साइंटिफिक नॉर्म्स के हिसाब से किसी भी कंट्री का, किसी भी रीजन का जो 33% एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किसी भी इलाके का 33% जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर किसी के पास इतना नहीं है, ठीक है ना, जैसे इंडिया का अगर हम देखेंगे, 20 से 21% सिर्फ फॉरेस्ट के अंडर आता है, तो ये बहुत पीछे है। अभी अभी हिंदुस्तान बहुत पीछे है, अभी हमें बहुत मेहनत करना है, अभी हमें बहुत से ज़्यादा प्लांटेशन करना है, एफॉरेस्टेशन करना है, ताकि जो साइंटिफिक नॉर्म है 33% जो एरिया फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए वहाँ तक हम पहुँच सके, ताकि हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द लैंड इज टर्मड एज ए वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम लैंड है जिसको हम वेस्ट लैंड कहते हैं, या लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में आता है, वेस्ट लैंड जैसे रॉकी लैंड्स, एरिड रीजन जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, एंड डेजर्ट एरिया, ठीक है ना, एंड एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर
नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज़। तो जो लैंड यूज़ पैटर्न है इंडिया का वो कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो लास्ट जो है, अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में और क्या कंजर्वेशन मेजर्स रहेंगे, क्या फैक्टर्स हैं जिससे आपका लैंड डिग्रेड हो रहा है, जो एक वैल्यूबल रिसोर्स हम मानते हैं वो डिग्रेड हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, तो उसको कंजर्व करने का या बचाने का क्या तरीका है। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड वी विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस टू। ये जो ज़मीन है, ठीक है ना, ये हमारे पुरखों के लिए, हमारे एंसेस्टर के लिए कोई अलग ज़मीन या कोई अलग सा लैंड नहीं था, ठीक है ना, या आने वाले जनरेशन के लिए भी कोई अलग सा लैंड नहीं होगा। जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे एंसेस्टर ने जो लैंड इस्तेमाल किया है, वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, और आने वाला जनरेशन भी इसी लैंड को इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। हम सब इस लैंड को शेयर करते आ रहे हैं और आगे जाके लैंड को शेयर करेंगे भी। तो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, जो हमारे फूड, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है ना, जो 95% जो हमारे बेसिक नीड्स है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो हम कहाँ से हासिल करते हैं, वो हम लैंड से हासिल करते हैं। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज़, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, माइनिंग है एंड क्वारिंग है, टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन। इनका बहुत बड़ा एक रोल रहता है, क्यों ह्यूमन एक्टिविटीज़, ज़्यादातर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आप ने पहले आप पढ़ते आए हो, ठीक है ना, आप पढ़ते हो, आप लोगों को पता है कि जैसे आपका जो आपके प्लांट्स होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं, वो सॉइल को होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। तो क्या होगा अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जब हम उन पेड़ पौधों को काटेंगे, तो जो सॉइल होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद सॉइल आराम से इरोड हो जाता है, ठीक है ना। ओवर ग्रेजिंग करने की वजह से जो लैंड है वो डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। माइनिंग करते हैं, ठीक है ना, कहीं से हम मिनरल निकालने के लिए ज़मीन को खोदते हैं, क्वारिंग करते हैं, कहीं से हम घर बनाने के लिए, जहाँ से हम सामान, रॉक्स या मिट्टी वगैरह ले जाते हैं, टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन। इन सब का एक कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से इनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है लैंड डिग्रेड होने में, जो रिसोर्स है वो ख़त्म करने में। तो देर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम द लैंड डिग्रेडेशन। तो बहुत से तरीके हैं जिससे हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, या लैंड रिसोर्स को ख़त्म होने से हम बचा सकते हैं। सबसे पहला है एफॉरेस्टेशन। जैसे हमने पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया कि एक डिफॉरेस्टेशन है जिससे लैंड डिग्रेड हो रहा है, ठीक है ना। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो एक हमने पहले भी डिस्कस किया कि साइंटिफिक नॉर्म्स के हिसाब से 33% जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए, ताकि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सके। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, एफॉरेस्टेशन है। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। और अगर हम अपने लाइफ स्टॉक को कंट्रोल में रखें, कंट्रोल में अगर हम उनको ग्रेज कराएं, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सेंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरिया। अब उन एरिड एरियाज़ में क्या, जहाँ पे सूखे इलाके हैं, जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे आपको वेजिटेशन बहुत कम मिलते हैं, ठीक है ना, अब वहाँ पे लैंड को डिग्रेड होने से हम कैसे बचा सकते हैं, वहाँ पे लैंड को, सॉइल को इरोड होने से हम कैसे बचा सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है ना, हम बेल्ट बना सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग को अगर हम वहाँ पे कंट्रोल करेंगे तो लैंड को हम डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ सेंड ड्यून्स को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, थॉर्नी बुशेस को वहाँ पे ग्रो करके। और सम ऑफ द मेथड, ये कुछ मेथड्स हैं टू चेक लैंड डिग्रेडेशन, जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन पे चेक रख सकते हैं, ठीक है, या उनको चेक कर सकते हैं, या उनको डिग्रेड होने से रोक सकते हैं इन एरिड एरियाज़ में, उन एरियाज़ में जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ पे वेजिटेशन कवर बहुत कम होती है। नेक्स्ट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन मेक रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड
सब अर्बन एरिया। तो प्रॉपर मैनेजमेंट अगर हम करेंगे वेस्टलैंड्स के, ठीक है ना, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ को अगर हम कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलियंट, जैसे इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलते हैं, एफिलियंट निकलते हैं, इंडस्ट्रियल एफिलियंट्स निकलते हैं जिससे लैंड पोल्यूट होता है, उन सब को अगर हम मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, और अगर हम वेस्ट को ट्रीटमेंट करने के बाद अगर हम उसको डिस्पोज करेंगे, कैन रिड्यूस द लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन, जिससे हमारा पानी भी गंदा होने से बच जाएगा, जिससे हमारा लैंड भी पोल्यूट होने से बच जाएगा और ख़त्म होने से, ये जो प्रीशियस रिसोर्सेस हैं वो ख़त्म होने से बच जाएंगे इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज़ में। इन एरियाज़ में क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगे वहाँ पे इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स होंगे, जहाँ पे सब अर्बन एरियाज़ है तो वहाँ पे आपका पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है। तो इन एरियाज़ में आप कुछ मेथड्स को अपना के, कुछ मैनेजमेंट करके इन रिसोर्सेस को बचाने में हम काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने पहले जो टॉपिक से वो नहीं पढ़ा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मुतारी एजुकेशनल सोसाइटी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को आप वहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर था रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके हम दूसरे चैप्टर को भी इसी तरह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।